हाय एवरीवन। तो आज है नया साल, आप सभी को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सेवन पर्सन्स KLMNOPQ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ। K and M आर सिटिंग टुगेदर। O इज एट द ईस्ट एंड। P इज बिटवीन Q एंड M। Q इज सिटिंग इन द मिडल। N इज बिटवीन O एंड L। K इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड। हु इज सिटिंग एट द फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द ईस्ट। एंड जिन लोगों को ये हिंदी में चाहिए वो हिंदी में एक बार रीड कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल सेवन पर्सन है और उन सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। एंड सभी का फेस है नॉर्थ की तरफ। चलिए K and M आर सिटिंग टुगेदर। के और एम कहीं भी है वो एक जगह बैठे हैं। हमें ये नहीं पता कौन लेफ्ट में है कौन राइट में। चलिए ओ इज एट द ईस्ट एंड। ईस्ट में ओ है, ओ को हमने फिक्स कर दिया। पी इज बिटवीन क्यू एंड एम। पी कहाँ है? ये है क्यू और एम के बीच में है पी। क्यू का पोजीशन क्या है एम का है हमें वो नहीं पता। पी है बीच में। चलिए नेक्स्ट है क्यू इज सिटिंग इन द मिडल। क्यू मिडल में है यानी कि क्यू यहाँ है। क्यू का भी पोजीशन फिक्स हो गया। एन इज बिटवीन ओ एंड एल। जो एन है वो ओ और एल के बीच में है। एल और ओ में हमें नहीं पता कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है। ठीक है ये भी नहीं पता हमें। नेक्स्ट है के इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड। वेस्ट की तरफ एंड पे कौन है? के है। नाउ हु इज सिटिंग एट द फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट से पांचवें नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मीन्स टू से यहाँ पे कौन है हमें ये बताना है। हम इसे अरेंज कर लेते हैं। के का पोजीशन फिक्स है मीन्स टू से यहाँ पे एम होगा क्योंकि दोनों एक साथ है। एंड क्यू और एम के बीच में पी है। क्यू यहाँ है एम यहाँ है दोनों फिक्स है तो पी यहाँ पे आ जाएगा। ओ यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा? एन होगा क्योंकि एन बीच में है और किसके? एल के। तो ये सारा इस तरह से अरेंज होगा। एंड हमें बताना है यहाँ पे कौन आया तो ये आ गया पी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन से और इसमें करवाया गया है एक्टिव पैसिव। एक्टिव में दिया हुआ है उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये जो क्वेश्चन है ये है वॉइस के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसमें क्या होता है जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। कैन है तो कैन के साथ बी आ जाएगा। हैज हैव है तो उसके साथ हैज बीन हैव बीन आ जाएगा। एंड जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बाई के साथ आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। हाउ कैन आई फॉरगेट योर जेनरसिटी? तो इसका क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है तो इसमें हाउ का हाउ ही रह जाएगा, कैन का कैन ही रह जाएगा। एंड यहाँ पे योर जेनरसिटी जो कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और कैन के साथ बी लगता है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग बी यूज करेंगे। फॉरगेट हो जाएगा V3 में फॉरगेटिंग। एंड बाई आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में यानी कि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये कन्वर्ट होके मी में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव में था, पैसिव क्या बन गया? हाउ कैन योर जेनरोसिटी बी फॉरगॉटन बाय मी। नेक्स्ट है अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल वॉज टेकिंग आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन। इसका क्या हो जाएगा? आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन ये हम लेंगे सब्जेक्ट। आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन यहाँ पे चिल्ड्रेन है तो क्या हो जाएगा? वॉज नहीं होगा वर होगा। यहाँ पे वॉज है तो ये वर में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। यहाँ पे आई एन जी का यूज हुआ है तो आई एन जी में हम लोग पैसिव में क्या करते हैं? बीइंग लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन वर बीइंग
और टेक V3 में क्या होगा, टेकन होगा बाई अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल, ये सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो लाइन क्या बनेगा, आर्ट क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन वर बीइंग टेकन बाई अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल। नेक्स्ट है, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो वर्ब है वो पहले ही रहेगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो चीफ गेस्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, इज द चीफ गेस्ट, ING यूज हो रहा है तो बीइंग आएगा, इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन, वाई दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन बाय देम। नेक्स्ट है, जीके क्वेश्चंस है, फर्स्ट है बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ ब्लैंक लेड द अपराइजिंग एट लखनऊ इन मई 1857। मई 1857 में लखनऊ विद्रोह में बेगम हजरत महल जो कि वाइफ थी नवाब की, तो वो नवाब कहाँ के थे, अवध के थे, अवध के नवाब की वाइफ थी बेगम बेगम हजरत महल, एंड इन्होंने ही लखनऊ से 1857 की क्रांतिकारी का विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, टू नो द ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस का ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है पंडित रवि शंकर, ये रिलेटेड है सितार से, सितार वादक है पंडित रवि शंकर। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल इन द एयर टू फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये पानी के साथ कंबाइन होकर हवा में क्या बनाता है, एसिड रेन। जो बारिश होती है तब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दोनों बारिश और हवा के साथ मिलकर बनाते हैं एसिड रेन। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ द बिग द बुक द रिजिलियंट एंटरप्रेन्योर, तो इस बुक के लेखक कौन है, ध्रुति शाह। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या होगा जब स्लोप 1/4 है, स्लोप क्या होता है, m 1/4, और यहाँ पे बाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3, मीन्स टू से बी क्या हो गया 3। तो लाइन के लिए इक्वेशन होता है बाई इज इक्वल टू mx+b, ये x है, तो यहाँ पे m क्या है, m है 1/4, x को हम लोग x ही रहने देते हैं, प्लस b क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू बाई, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा, 4, तो 4 को हम लोग इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4/, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ये मल्टीप्लाई होके 4 3 12, और यहाँ पे नीचे में बाई था वो हम लोगों ने बाई इस साइड कर लिया है। चलिए तो बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम x को ले आते हैं, 4y को इस साइड ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, ये आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 4y इज इक्वल टू -12। नेक्स्ट है इन अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इज, 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा एक लीप ईयर में, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, यानी कि इसमें जो ऑड डे होता है, और डेज होता है 2, 52 संडे तो हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि 52 संडे तो आना ही है, और लास्ट का जो 53rd संडे है वहां पे क्या प्रोबेबिलिटी होगा, वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 53rd संडे ये जो 2 दिन है यही डिसाइड करेगा, तो ये 2 दिन कौन कौन सा हो सकता है, या तो ये 2 दिन होगा मंडे ट्यूसडे, नहीं तो और क्या हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे अगेन आ चुका है, तो ये कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो हमारा टोटल आउटकम हो गया वो हो गया 7। एंड इसमें ऐसे कौन कौन से दिन है जहां पे क्या आ रहा है संडे,
तो संडे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है संडे और यहाँ भी है संडे। यानी कि दो ऐसे आउटकम है जहां पे संडे आ रहा है। तो दो ऐसे आउटकम है जहां पे संडे आ रहा है, यानी कि 53rd संडे आ जाएगा, और ये टोटल आउटकम ये हमारा ये होगा। तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है इवेंट अपॉन टोटल आउटकम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/7। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।